हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हर्ड में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महा मेट्रो, जो कि महाराष्ट्र मेट्रो के बारे में, एक मेट्रो रेलवे जॉब। तो इसके बारे में यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है जो रिसेंटली, इसके बारे में बात करूँगा। कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या आपको क्या क्राइटेरिया जो कि है आपको मेंटेन करना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो अगर ये मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे गवर्नमेंट रिलेटेड जो जॉब या प्राइवेट जॉब के बारे में मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ। आपको अगर इन्फॉर्मेशन लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसके साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। मेरा जो कि फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर पेज, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जाके उनसे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, या भी वहाँ से भी जाके आप लोग कमेंट या आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग वहाँ से जाके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आज लोग मैं बात करूँगा महा मेट्रो, जो कि महाराष्ट्र मेट्रो के यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है इसके बारे में। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इसका जो ऑफिशियल पेज है आपको यहाँ पे आना होगा। इसका ऑफिशियल पेज के लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्टली इस पेज में आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे राइट साइड में जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे करियर ऑप्शन जो है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। करियर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो जो रिसेंटली जॉब निकला हुआ है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे चला आया है, उसके बारे में आप लोगों के साथ बात करूँगा। तो दोस्तों, इस यहाँ पे जो कि फास्ट एडवर्टाइजमेंट जो कि यहाँ पे चला आया है, नागपुर मेट्रो के लिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो कि महा मेट्रो एजर, इसके बारे में इसका जो जॉब वैकेंसी, इसका जो डिटेल्स है यहाँ पे लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे जो लोग सेक्शन इंजीनियर के लिए अप्लाई किए थे उसका यहाँ पे जो लोग शॉर्टलिस्टेड हुए इसके बारे में, तो इसके बारे में नहीं बात करूँगा। यहाँ पे मैं बात करूँगा नागपुर मेट्रो के रिक्रूटमेंट जो कि यहाँ पे है, रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस एम्प्लॉय फ्रॉम गवर्नमेंट मेट्रो रेलवे PSU ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फॉर ओ एंड एम विंग। तो दोस्तों, इसके बारे में, इसके लिए इसका जो ऑफिशियल के जो PDF फाइल है उसका मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे इस जॉब के सब कुछ डिटेल्स है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ इसका जो डिटेल है। डाउनलोड कर लेने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से इसका जो जॉब डिटेल्स है, क्या क्या कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो PDF फाइल है यहाँ पे चलाया है। 8 अक्टूबर के ये पोस्ट जो कि पोस्ट हुआ है, इस पोस्ट को महाराष्ट्र मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसका ऑर्गेनाइजेशन है इस जॉब के लिए, रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज फ्रॉम गवर्नमेंट मेट्रो रेलवे PSU ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फॉर ओ एंड एम विंग। तो दोस्तों, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिक जो कि जॉब है, तो अगर आप चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा पोस्ट क्या क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट जो कि है जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के निकला हुआ है, इसके साथ साथ जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के पोस्ट निकला हुआ है, जूनियर इंजीनियरिंग S&T पोस्ट निकला हुआ है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के भी पोस्ट निकला हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 पोस्ट जो कि यहाँ पे निकला हुआ है, अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या इसका जो वैकेंसी क्या है और सैलरी कितना रहेगा, इसके साथ साथ आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ पे 3 पे स्केल जो है 33,000 से 1 लाख तक आपका इसका सैलरी रहेगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है BE BTEC और 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल डिसिप्लिन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, यहाँ पे BTEC या
बीटेक या बीई और 3 इयर्स के डिप्लोमा कोर्स चाहिए आपके, अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल के अप्लाई करना चाहते हैं, उसके साथ साथ आपको 1 ईयर के जो कि एक्सपीरियंस चाहिए सिविल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट मेट्रो रेलवे। मैक्सिमम जो आपका एज लिमिट रहेगा यहाँ पे 32 इयर्स के तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, इसके बारे में बात करूँगा। इसका भी वैकेंसी जो है 3 है, सैलरी भी सेम रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सेम रहेगा, बट बीई बीटेक और 3 इयर्स के डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। तो बीई बीटेक जो कि इलेक्ट्रिकल में आपको करना होगा, मिनिमम जो कि एक्सपीरियंस चाहिए 1 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए, मैक्सिमम जो एज है 32 इयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर के, उसका वैकेंसी जो है 4, सैलरी सेम रहेगा, 33,000 से शुरू होगा 1 लाख तक इसका जो सैलरी रहेगा पर मंथ। उसके बाद बात करेंगे क्वालिफिकेशन जो रहेगा बीई बीटेक और 3 इयर्स के डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिसिप्लिन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। मिनिमम 1 ईयर्स के आपका जो कि एक्सपीरियंस चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट मेट्रो रेलवे ऑफ इंडिया। 32 इयर्स के जो कि मैक्सिमम एज है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के। लास्ट जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के, वैकेंसी है इसके 2 पे स्केल, जो सैलरी रहेगा आपको सेम रहेगा, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रहेगा बीई बीटेक और 3 इयर्स के डिप्लोमा मैकेनिकल डिसिप्लिन। इसके साथ साथ इसका जो मिनिमम एक्सपीरियंस रहेगा आपको 1 ईयर के, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट मेट्रो रेलवे PSU। मैक्सिमम जो एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 32 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद बात करें सिलेक्शन प्रोसेस आपको क्या मेंटेन करना होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है द सिलेक्शन मेथड विल कॉम्प्राइज पर्सनल इंटरव्यू। तो दोस्तों यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू आपको सिलेक्शन होगा, फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन एंड पार्ट पोस्ट कैटेगरी। द सिलेक्शन प्रोसेस वुड बी जज डिफरेंट फेज ऑफ नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस एक्सपर्ट एप्टीट्यूड एंड फिजिकल फिटनेस। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपको इंटरव्यू के थ्रू आपका जो सिलेक्शन होगा, इसके साथ साथ आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि होगा यहाँ पे लिखा हुआ उसके बारे में। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन इन महामेट्रो नॉमिनेटेड हॉस्पिटल एज पर द प्रिस्क्राइब मेडिकल कैटेगोरी। द डिटेल्स ऑफ मेडिकल स्टैंडर्ड कैन बी सीन ऑन महामेट्रो वेबसाइट लिंक करियर। हाउ टू अप्लाई एलिजिबल, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट मे अप्लाई एज पर एप्लीकेशन फ्रॉम एनेक्सेस 1, ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी अटैच विद द एप्लीकेशन। दोस्तों इसका जो फॉर्म है यहाँ पे नीचे लिखा मैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है, आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते। आपको डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप करके इस पोस्ट के आपको इस एड्रेस में आपको सेंड करना होगा। एड्रेस जो है टू द एडिशनल जनरल मैनेजर AGR महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड मेट्रो हाउस 28/2 CK नायडू मार्क आनंद नगर सिविल लाइंस नागपुर 44001। तो दोस्तों ये था मेट्रो रेलवे जो कि महाराष्ट्र मेट्रो रेलवे के रिसेंटली जो पोस्ट। तो अगर आप लोग चाहते अप्लाई करना आप लोग कर सकते। इसके साथ साथ अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूँगा। तो दोस्तों थैंक यू, दूसरा वीडियो में मिलते हैं।